मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। और आज हम एक और नया अक्षर सीखेंगे, बड़ी ई। ठीक है, ये क्या है? बड़ी ई। देखो, जैसे अभी तक हमने क्या क्या सीखा, आ और ई, यानी छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई। अब आज हम सीखेंगे बड़ी ई, यानी जैसे हमने बोला आ ई, तो इस पर हम जोर लगा के बोलेंगे ताकि ये पता चले कि ये बड़ी ई है। ठीक है, तो फिर से बोलिए, देखिए, ई आ ई। ठीक, इसको आप ऐसे बोलने का अभ्यास करेंगे, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, ऐसे नहीं। वो इसलिए बेटा ताकि आपको आगे मात्राएं बोलने में और लगाने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए आपके बोलने के तरीके से हमें ये पता चलना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि वो आप कौन सा लेटर बोल रहे हो, वो छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा आ है या बड़ा आ है। ठीक, चलो वचन पढ़ते हैं। ई से ईक। ईक मीन्स गन्ना, जिससे गन्ने से क्या बनता है बेटा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर केन, इससे गुड़ और चीनी बनती है। ठीक है, ई से ईक, ना ई से ईद। क्या है? ईद मुबारक है ना। ये ईद क्या है? एक फेस्टिवल है, ठीक है, जिसे मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं और आजकल तो वैसे सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, ईद मिलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। ठीक है ना, फिर ये आया ई से ईट। ईट क्या होता है बेटा? ईट से ही हमारे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, है ना। बिना ईट के कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, और इसे हमने क्या पढ़ा, ई से ईट। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं, ई से ईंधन। ई से ईंधन, ठीक है, ईंधन मतलब जिससे कि, जैसे फ्यूल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। देखिए, अगर गाड़ी चलानी है तो हमें पेट्रोल या डीजल चाहिए, और खाना बनाना है तो हमें गैस चाहिए, तो ये क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं, फ्यूल्स, जो कि बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो हमें खाना नहीं बना सकते, क्योंकि गैस नहीं चलेगी, ठीक है, चूल्हा नहीं चलेगा। और अगर गाड़ी आपकी, उसमें पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो गया, तो गाड़ी भी मूव नहीं करेगी, वो नहीं चलेगी। तो क्या हुआ, ई से ईंधन। अब ई से ईसाई। ई से ईसाई, ईसाई मतलब बेटा ये क्या है, क्रिश्चियंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कौन कौन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो वही ईसाई, क्रिश्चियंस। और ईसा मसीह भी हुए, जो उनके गॉड हैं, ठीक है, ईसा मसीह। नाउ नेक्स्ट इज ईदगाह। ईदगाह यानी मॉस्क, मॉस्क मतलब मस्जिद, ठीक है, ईदगाह मतलब मस्जिद या मॉस्क। क्लियर, आपको देखिए ना, जहाँ पे सब नमाज पढ़ने जाते हैं, जैसे हम लोग में क्या, टेंपल्स में जाते हैं हिंदूज में, ठीक है, मुस्लिम्स में मॉस्क में जाते हैं, जिसे हम ईदगाह भी कहते हैं, ठीक है, और क्रिश्चियंस में चर्च में, और सरदारों में को गुरुद्वारा में, ठीक है, सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग मॉस्क कहते हैं, मस्जिद भी कहते हैं और ईदगाह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईश्वर। ईश्वर मीन्स भगवान, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गणेश जी की वो बनी हुई बेटा, क्योंकि सब एक ही हैं, हम सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग रूप मान रखे हैं, कोई राम, कृष्ण, शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी, है ना, सब एक ही शक्ति है, ठीक है, वो शक्ति क्या है, ईश्वर, ठीक, भगवान जिसे हम कहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, तो ना एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं, ई से ईश्वर, ई से ईदगाह, ई से ईसाई,
ई से ईंधन, ई से ईंट, ई से ईद और ई से ईक। ठीक है बच्चों, आप सब लोग इसे क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और नए नए शब्द भी जानने की कोशिश करोगे। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।